हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नारी का साग, जो कि इस तरह से बंडल में आता है। मैंने खोल के साफ कर लिया है इसको, इसकी जो डंडियां थी वो तोड़ ली है। बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस तरह से इसको 3-4 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है। धुल के इसको साफ कर लेना है, उसके बाद इसको छोटा छोटा काट लेना है। इधर ले लिए मैंने उड़द की दाल, छिलके वाली है, आप धुली वाली भी ले सकते हैं। 4 से 5 मिर्चा है मेरे पास हरी। इधर लहसुन ले लिए, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। चाहे तो आप महीन महीन छोटा छोटा काट लीजिए इनको, चाहे तो सिलबट्टे से थोड़ा थोड़ा पीस लीजिए, या आप मिक्सी के जार में ग्राइंड कर सकते हैं मोटा मोटा इसको। इधर हमने लोहे की कढ़ाई ले ली, इसमें ले लिया है 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा और डाल देंगे। नारी के साग के लिए हमने जो हरी मिर्च और लहसुन काटे थे वो भी इसमें डाल देंगे। इधर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पहले डाल देंगे तो तेल के साथ ज्यादा भून जाएगा। तो अब लहसुन, हल्का सा लहसुन और हरी मिर्च भून गई है, डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। ये दोस्तों ले लेंगे थोड़ी सी हम हींग। इसमें उड़द की दाल पड़ रही है ना, तो बादी होती है उड़द की दाल, तो हम लोग थोड़ी सी हींग इसमें डाल देंगे। इधर देखिए अच्छे से भुन गया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो उड़द की दाल हमने ली थी, देखिए मैंने बोला था 100 से 80% तक छिलके इसके निकल गए, 20% रह गए, 20 से 10% रह गए, ज़्यादा नहीं छिलके रहे हैं। इसको सोक कर दो आधा घंटे तक, तो इससे निकल जाते हैं। बाकी धुली हुई दाल आप ले सकते हैं। एक कटोरी दाल है उड़द की। हमारा 1 किलो साग है नारी का, और हमने 1 कटोरी दाल ले ली है। आधा किलो साग हो तो आधी कटोरी लीजिएगा, ज़्यादा दाल नहीं लेनी है। इसको भून लेंगे, थोड़ा सा कलर आने लगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन तक हल्की कर लें। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी दाल को, कुरकुरी नहीं करनी, मतलब थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए और कलर चेंज हो जाए इसका। इसी में थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। नमक दोस्तों थोड़ा डालेंगे, क्योंकि साग जब पानी छोड़ेगा अपना, तो जब नमक है ज़्यादा होने का डर होता है, इसलिए पहले थोड़ा ही नमक डालें। हल्दी नमक डाल के आप लाल मिर्चा, खड़ी मिर्चा भी डाल सकते हैं इसमें। बाकी मैंने हरी मिर्चा 4 से 5 आपको बताया था डाली है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं। जैसा आपको तीखा आप लोग पसंद करते हैं, उसी हिसाब से अपना उसी क्वान्टिटी में डाल दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, दाल का पानी हमारा सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गई है, भुन चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब इसमें हमने जो साग महीन महीन चॉप किया है, ये देखिए छोटा छोटा महीन महीन किया है, ये भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए साग ऐसे डाल देना है, डाल के इसको मिला देना अच्छे से। इस तरह से इसको मिला के हम लोग 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद बीच में खोल के देखना भी है इसको, इसमें पानी बहुत होता है दोस्तों, तो इसके पानी से ही, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी साग है इसमें बहुत मॉइस्चर रहता है, सब्जी वो अपने पानी में ही बन जाती है। इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जो भी है, थोड़ी देर ढकने के बाद इसको खोल के देख लेंगे। देखिए दोस्तों साग हमारा बन के तैयार है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। इस तरह का लोहे की कढ़ाई में दोस्तों बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा बनता है, टेस्टी भी इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और टेस्टी लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने सब तरह दिखा दिए, बनने के बाद इस तरह की लगती है सब्जी। लोहे कढ़ाई में बनाइए, ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये मैंने हाथ की पानी की रोटी बना ली घी लगा के। वैसे तो आप पराठे पूड़ी किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, सब्जी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपी कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और नीचे दी गई हुई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी सारी वीडियो, जितनी मैं वीडियो आप लोगों को भेजती हूँ, सबकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।